Hi everyone, I am Muhammad Asif and I am your English trainer and welcome back to our YouTube channel. So dear student, without wasting the time, I am going to start the class. लेकिन पहले जो last structure मैंने आपको पढ़ाया था, मुझे उम्मीद है आपने उसको बहुत अच्छे से practice किया होगा, उसको बहुत अच्छे से समझा होगा. So dear student, आज का जो structure है वो भी बहुत शानदार structure होने वाला है. So without wasting the time, let's start the class. So what I am going to teach you today, आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ वो समझने की कोशिश कीजिएगा. So today I am going to teach you the structure. Structure क्या है हमारा? सबसे पहले क्या आएगा? सेंटेंस. अब ये सेंटेंस प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है. इट कैन बी ऑन एनी स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर हो सकता है जो अब तक हमने सीखे हैं. ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? इन ऑर्डर टू, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. यानी यहां तो पूरा एक सेंटेंस आ जाएगा, उसके बाद हम इन ऑर्डर टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. ये तो होगी हमारे स्ट्रक्चर की बात जो आज हम सीखने वाले हैं. लेकिन अब बात करते हैं इन विच सिचुएशन वी हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर, किस सिचुएशन में हमें इस स्ट्रक्चर का यूज करना है. सो वी हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर टू शो द पर्पस ऑफ एन एक्शन. To show the purpose of an action. Purpose का मतलब क्या होता है? उद्देश्य. किसी भी काम को करने का जो उद्देश्य होता है, जो purpose होता है, जो मकसद होता है, उस मकसद को बताने के लिए, उस उद्देश्य को बताने के लिए, उस reason को बताने के लिए हम इस structure का use करते हैं. देखिएगा, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य छिपा होता है ना, तो उसी उद्देश्य को बताने के लिए हम इस structure का use करते हैं. हिंदी में कैसे बोला जाता है? देखिए, इन हिंदी लिखने प्लस के लिए, लिखने के लिए, पढ़ाने प्लस के लिए, यानी पढ़ाने के लिए, जाने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए. जब इस तरह की कोई बात बोली जाती है किसी भी सेंटेंस में, तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं. देखिएगा, यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है. एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा? मैं आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए वीडियोज बनाता हूं, है ना. मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, मेरा वीडियोस बनाने का मकसद क्या है? मेरा वीडियोस बनाने का मकसद है कि आप लोग अंग्रेजी सीख जाएं. तो मैंने उसको एक सेंटेंस में लिख दिया. कैसे लिखा है? मैं आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए वीडियोस बनाता हूँ. अब बनाता हूँ, खेलता हूँ, पढ़ता हूँ, ये कौन सा टेंस हुआ? ये प्रेजेंट टेंस हुआ ना, कि जो आपको मैंने पढ़ाया था रेगुलर एक्शंस की बात जब की जाती है. ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ. तो देखिए कैसे बनेगा. पहला स्ट्रक्चर क्या है हमारा? ये है. सबसे स्ट्रक्चर में क्या रहा है? सेंटेंस आ रहा है. एक सेंटेंस बना दीजिए. क्या? कि मैं आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए वीडियोस बनाता हूं. मैं क्या करता हूं? वीडियोस बनाता हूं. मैं वीडियोस बनाता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई मेक वीडियोस. यहां तक सेंटेंस कंप्लीट हो गया. हो गया ना? आई मेक वीडियो, सॉरी, यहां तक आई मेक वीडियोस. ठीक है, उसके बाद किसके लिए बनाता हूं वीडियोस? आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए. तो कैसे बोलेंगे? आई मेक वीडियोस. सेंटेंस पूरा हो गया, उसके बाद लगाएंगे इन ऑर्डर टू आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए मेक यू लर्न इंग्लिश. अगर इसको एक सेंटेंस में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? आई मेक वीडियोज इन ऑर्डर टू मेक यू लर्न इंग्लिश. मैं आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए वीडियोज बनाता हूं. ठीक है, मैं इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली जाता हूं. तो मैं कहां जाता हूं? दिल्ली. तो आई गो टू दिल्ली. कहां? किस लिए? इन ऑर्डर टू फेस इंटरव्यू. आप यहां अंग्रेजी सीखने के लिए आते हो. यू कम हियर इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश. वो यहां जो है ना कमरा सजाने के लिए आती है. तो शी कम्स हियर इन ऑर्डर टू डेकोरेट द रूम. समझ में आए ना बात? तो जब आप कोई काम किसी पर्पस से करते, किसी मकसद से करते हैं, तो उस मकसद को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं. ये तो बात होगी कब? जब मैं प्रेजेंट में कोई काम करता हूं किसी पर्पस से. ऐसे ही अगर मैं पास्ट में बोलूं तो पास्ट में किस तरह से बोलूंगा? जैसे मैं वहां उसे इनवाइट करने के लिए गया था. मैं वहां उसे इनवाइट करने के लिए गया था. अब पास्ट की बात होगी तो पास्ट में तो क्या आता है? सब्जेक्ट आता है पास्ट में, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, कोई ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट आ जाता है. ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है. ठीक है, अब मैं क्या कहूंगा? मैं वहां गया था किस लिए? उसे इन्वाइट करने के लिए. तो क्या आएगा? सब सेंटेंस आ जाएगा आई वेंट, है ना. या ऐसे बोल सकते हैं आई वेंट देयर. मैं वहां गया था किस लिए? इन ऑर्डर टू इन्वाइट हिम. उसने मुझे जो है ना खेलने के लिए फोन किया था, है ना. ही कॉल्ड मी इन ऑर्डर टू प्ले. ठीक है, मैंने उसे समझाने के लिए फोन किया था. आई कॉल्ड हिम इन ऑर्डर टू मेक हिम अंडरस्टैंड.
तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, अगर पास्ट में है तो मैंने ये काम करने के लिए ऐसा किया था, तो वहाँ पर भी हम इन ऑर्डर टू का यूज़ कर लेंगे। सेंटेंस पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा इन ऑर्डर टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अगर इसी बात को फ्यूचर में बोलना हो तो फ्यूचर में कैसे बोलेंगे आप? जैसे मैं इस तरह से बोलूँ कि मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली जाऊँगा, तो मैं कहाँ जाऊँगा? दिल्ली। अब किस लिए जाऊँगा? नया साल मनाने के लिए। तो कैसे बोलूँगा? आई, अब फ्यूचर की बात है तो विल आ जाएगा। आई विल कहाँ जाऊँगा मैं? दिल्ली। आई विल गो टू दिल्ली। आई विल गो टू दिल्ली। अब किस लिए? इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट, है ना, इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट व्हाट? न्यू ईयर। अब इस सेंटेंस को एक साथ बोलेंगे तो हम किस तरह से बोलेंगे? आई विल गो टू दिल्ली इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट न्यू ईयर। मैं उसे यहां पढ़ाने के लिए बुलाऊंगा। आई विल इन्वाइट हिम इन ऑर्डर टू टीच। गॉट इट? तो जब इस तरह की कोई बात बोली जाती है, जब हम फ्यूचर में कोई काम किसी पर्पस से करेंगे, तो वहां पर विल का स्ट्रक्चर यूज हो जाएगा। यानी कि सेंटेंस में क्या हो जाएगा? विल का स्ट्रक्चर आ जाएगा, उसके बाद इन ऑर्डर टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आई ना बात? ये फ्यूचर में विल का यूज हो जाएगा, पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट का यूज हो जाएगा, और प्रेजेंट में हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट। और प्रेजेंट में किस क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस एड करते रहते हैं। ये बात है। तो मुझे उम्मीद है ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इतना ज़्यादा इस स्ट्रक्चर पे आप कमांड कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मालूम करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।